दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उस पर हिट करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी बना रही हूँ मैं अरवी की सब्जी, और अरवी मैंने पहले बॉईल कर ली थी और उसके बाद अरवी को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो देख सकते हैं अरवी अच्छी खासी फ्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं ये अरवी निकाल लूँगी, फिर मसाला रेडी करूँगी और इसमें थोड़ा सा तेल बढ़ा दूँगी। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे जो भी तेल यूज़ कर सकते हैं उसमें बना सकते हैं। तो मैंने डाला है सरसों का तेल, और सरसों का तेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने मसाला रेडी कर लिया है, मसाले में मैंने हरा धनिया लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है और एक छोटा सा प्याज लिया है और जीरा डाला है, तो और हरा धनिया भी डाला है। तो हरा धनिया से क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा अगर धनिया अच्छा है तो। तो इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, और अरबी को अजवाइन में ही छोंकना चाहिए क्योंकि बादी करती है अजवाइन, सॉरी अरबी। तो अजवाइन डाली है और उसी का बघार लगाया है, और जो मैंने तैयार किया था पेस्ट तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, और जो रेगुलर मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा भून गया है, और मसाला तब तक भूनना है जब तक कि इसका ऑयल ना निकल जाए। अब इस अरवी को जो भून के रखी थी, फ्राई करके रखी थी, वो हम डाल देंगे और इसे ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि अरवी में मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए और अच्छे से मिल घुल जाए। तो इसमें अब मैं डालूँगी पानी, थोड़ा पानी मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि अरवी जो होती है घुलती है तो गाढ़ेपन आ जाता है, तो थोड़ा सा पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि तरी फिर बाद में ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो पानी थोड़ा सा मैंने और डाल लिया है क्योंकि बॉयल आने के बाद थोड़ी सी सब्ज़ी गाढ़ी हो जाएगी, और अरवी की सब्ज़ी ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती, या तो सूखी अच्छी लगती है या फिर थोड़ी सी रसीली हो। और ये डाला है मैंने इसमें कसूरी मेथी, अब इसको बॉयल आने दूंगी, और इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए बॉयल होने रख दूंगी। तो सबको गुड मॉर्निंग सुबह की। तो देख सकते हैं सुबह सुबह किचन की हालत कैसी होती है, ये दूध रखा है, एक तरफ चाय बन गई है, चाय पी ली है, और बर्तन रात के धो के रख दिए थे, और ये मलाई का बर्तन है, तो मैं मलाई निकाल लूँगी बर्तन में, एक जगह स्टोर कर लेती हूँ। स्टील के बर्तन में एक टिफ़िन है जो फ्रिज में रहता है, क्योंकि फ्रिज के डीप फ्रीज़र में ही रखनी पड़ती है मेरे को मलाई, नहीं तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे मैं फ्रीज़र के डीप फ्रीज़र के नीचे जो ट्रे होती है उसके नीचे रखती हूँ, जिससे कि मलाई जैसी की तैसी रहती है, एक हफ्ते की मलाई इकट्ठी हो जाती है। फिर उसके बाद मैं घी निकाल लेती हूँ, तो बच्चों का दूध अलग आता है। तो ये जो ये डब्बा है बड़ा है, और आज मेरा फास्ट है तो मैं साबूदाना भी गलाऊंगी, तो साबूदाना मैं एक बड़े टिफ़िन में गला कर रख दूंगी, क्योंकि हफ्ते में 3 या 4 फ्रत पड़ ही रहे हैं अभी, तो साबूदाना इकट्ठा गला कर रख देती हूं, और बच्चों का भी खाने का मन करता है तो मैं जितना मुझे बनाना है उतना बना लेती हूं, बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूं, और काफ़ी अच्छा रहता है, कुछ नहीं बिगड़ता, और साबूदाना खिला खिला सा बनता है। तो पानी डाल के मैं इसको एक बार वॉश कर लूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक तरफ रख दूँगी ढाक के, तो 2 या 3 घंटे में साबूदाना अच्छे से फूल जाएगा, और जब ये फूल जाएगा ना, जितना मुझे बनाना होगा मैं उसमें से बना लूँगी। और ये है मसाले आए थे, तो रात को आए थे तो मैंने रख दिए थे, तो मॉर्निंग में मैंने सोचा इनको भर के भी रख देती हूँ, तो मूंगफली के दाने ख़त्म हो गए थे तो मूंगफली के दाने भी मंगाए थे। ये है हल्दी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर तो मैं घर पर ही बनाऊँगी इस बार, वैसे मैं पिसा मंगाती थी मगर खड़ी मिर्च रखी हैं बहुत सारी, 1 kg के समथिंग रखी हैं, तो इसको मैं आज पीस लूँगी मिर्च को। और ये दीदी के यहाँ से मंगोड़ी यानी कि बढ़िया आई थी, ये होममेड बढ़िया हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था इनका, तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उन्होंने पहले थोड़ी सी भिजवाई थी मगर इतना अच्छा टेस्ट था, हरी थोड़ी सी इसमें छिलके की दाल भी मिली हुई है, जैसे पीली पीली होती है मगर ये छिलका सहित बढ़िया है, तो बहुत अच्छी है। तो 1 kg के समथिंग वो भी मंगा लिए मैंने, जब भी धूप निकलेगी ना तो थोड़ा सा इसको मैं सुखा लूँगी, तो ये बड़ियों को रख दूँगी मैं एयर टाइट डिब्बे में, क्योंकि बरसात का मौसम है तो थोड़ी सी चीज़ों की केयर करके रखनी पड़ती है, नहीं तो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ज़रा सी भी नमी रह गई चीज़ों में, या तो पापड़ हो या कोई भी चीज़ हो, और इन दिनों में चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इनको मैं देख रही हूँ कि ये सूखी हैं कि गीली हैं, नहीं मगर ये सूखी हैं, अच्छी खासी सूखी हैं अंदर से,
मगर जब भी धूप निकलेगी तो थोड़ी सी इनको आधा एक घंटे की धूप ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी तो धूप निकल नहीं रही है, मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, कभी भी बारिश आ जाती है, मगर अभी 3-4 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, तो मौसम काफ़ी अच्छा भी नहीं बोल सकते, उमस वाला मौसम है। तो इनको मैं अंदर रख दूँगी स्टोर में, जहाँ मैं ये सारा सामान रखती हूँ। तो हॉल है हमारा जहाँ पूजा होती है, उसी के अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम है, तो उसी के अंदर ये कवर लगे हुए हैं। तो ये सारा जो भी सामान है खाने पीने का वो मैं यहीं रखती हूँ। ये है पानी की टिक्की, वो भी इसी में रखी है। और ये देखिए सारा सामान मेरा जो किचन का रहता है ना, बड़े बड़े कंटेनर में यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि मैं इकट्ठा सामान भर लेती हूँ। दाल चावल और ऐसी चीज़ें होती हैं 4-5 महीने का इकट्ठा भर लेती हूँ, तो बाद में परेशानी नहीं होती है, जैसे कि छिलके वाली दाल है ये लगती रहती है। तो ये मसाले मैं अंदर रख दूँगी, भर लूँगी, और मूंगफली के दाने भी भर लूँगी। और ये लिस्ट बन रही है, जो सामान नहीं है उसकी लिस्ट बनती जा रही है साथ में। तो आज निकाली है थोड़ी सी सफाई, तो देख सकते हैं जो ड्रेसिंग है उस पर सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ था, और ड्रेसिंग तो 2 या 3 दिन में ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो पाउडर वगैरह लगाते हैं सारा उड़ जाता है। और ये देख सकते हैं सामने मंदिर है, तो ड्रेसिंग हमारे ये वाले रूम में भी है, दूसरे वाले रूम में भी है। तो देख सकते हैं सिद्धांत क्या कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगाने का इतना शौक हो गया है आजकल, बस किताब ले लेंगे, माला पहन लेंगे और बैठ जाएंगे। तो बस हो गई है सफाई, तो पूरा ये क्लीन कर लिया था, अच्छे से साफ़ हो गया है। ये है फेशियल, ये फेशियल मशीन आती है छोटी सी है, ये मैंने purple.com से मंगाई थी, तो बहुत ही अच्छी है। इसमें 4 तरह के ऑप्शनल हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं मसाज करने के लिए। और ये सेल रखे हैं इसके इसमें रख दूँगी सामान, ये थोड़ा सा फैल गया था, इसको मैं इसके इसमें रख दूँगी, और धागे किसमें रख दूँगी। ये छोटा छोटा सामान इतना सारा इकट्ठा हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ का सामान कहाँ रखें। तो देख सकते हैं पूरा घर फैला पड़ा हुआ था आज, अच्छी मगर अच्छे से सफाई हो गई है। और ये निकल आई ऊन, बहुत सारी ऊन निकल आई है कलर वाली, तो इनको भी मैं रख दूँगी। और ये साथ में क्रोसिया है, तो मैं क्रोसिया चला लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे वक्त मिलेगा ना, टाइम मिलेगा, तब मैं क्रोसिया का कुछ बनाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये अचार रखा है, तो ये मैंने अंदर ही रख दिया है हॉल में, तो इसको भी मैंने बच्चों के टॉय वाले बॉक्स खाली हो गया था, तो मैंने इसमें ही रख दिया, तो वो काम में आ गया, तो एक जगह सेपरेट रहेगा। तो ये हो गया है। और ये पिंक वाला जो बॉक्स है ना, इसमें सारे हेयर बेल्ट वगैरह सारे रखे हैं। और ये रिद्धि का ये पेपर वगैरह का बॉक्स है, मैंने अलग कर दिया, तो ये यहाँ पे रखा है।